सीतापुर जनपद के थाना महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक नहर में अज्ञात युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के पैथेपुर संवाददाता मोहम्मद कदीर। तो कदीर बताइए, युवक कहां का था और किस नहर में जो है डूबा? निशान जी आपको बता दें, ये 98 फुट शारदा नहर का पड़ता है बातरपुर के पास, ये वहाँ की घटना है। एक युवक आया और आके नहर के पास वहीं पे डूब गया है। जी जी, और इसमें निशान जी आपको बता दें कि जो बातरपुर गांव पड़ता है वहाँ के एक लड़का शंभू और एक लड़का जो है रंजीत और दो लड़के और अज्ञात में है, ये चार लड़के खड़े हुए थे। जब इस युवक को देखा कि डूब रहा है तो वो लोग दौड़े और इसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो इस उसको बचा नहीं पाए। क्या इस दौरान कोई पुलिस कोई उच्च अधिकारी वहाँ पे पहुंचे हैं, क्या उसकी तलाश की जा रही है? जी जी जी, इसमें जो है आपको निशान जी बता दें कि SDRF की टीम पहुंची हुई है, महमूदाबाद कोतवाली के भी CO साहब भी पहुंचे हुए थे। और आपको बता दें कि जो पैतेपुर चौकी पड़ती है यहाँ पे अनिल पांडे हैं चौकी इंचार्ज, वो भी अपने हमराइयों के साथ वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सुबह से तलाश जारी है, लगभग ये 9 बजे की घटना है और शाम हो गई है, लगभग 10 घंटे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उस युवक का कोई अता पता नहीं मिल सका है। क्या युवक की कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई? अभी तक युवक की कोई पहचान नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महमूदाबाद मार्ग पर जो है एक युवक के बताते हैं कि 98 नहर जो पैतेपुर चौकी के अंतर्गत पड़ती है वहाँ पे डूब गया है, जिसके चलते स्थानीय लोग वहाँ पे खड़े थे, 3-4 लोग वो भी जो है छलांग लगाते हैं और उस युवक को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है वो बचा नहीं सके। फिलहाल आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तत्काल जो है लखनऊ से SDRF की टीम आती है, स्पेशल गोताखोर आते हैं और करीब आपको बता दें कि 10 घंटे से अधिक हो गए हैं उस युवक की तलाश की जा रही, लेकिन अभी तक उस युवक की जो है नहीं मिल सका। फिलहाल वो युवक कौन था, कहाँ का रहने वाला था, इसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। फिलहाल पुलिस ने जो है गोताखोरों ने वहाँ पे SDRF की टीम ने आज नहर में जो है जाल डाल दिया है और जाल डालने के बाद उस युवक की तलाश की जा रही है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।